हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियल मी 12 प्रो फ़ोन है, तो रियल मी 12 प्रो फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर OTG कनेक्शंस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने रियल मी 12 प्रो फ़ोन में, और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर OTG ऑप्शंस को ऑन करके OTG पेन ड्राइव वगैरह या OTG वायर को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने रियल मी फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि OTG कैसे कनेक्ट कर सकते हैं रियल मी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर रियल मी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन हो जाएंगे, जहाँ से आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो OTG को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं रियल मी फ़ोन में, तो सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, जहाँ से आपको सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है। तो सिस्टम सेटिंग्स पे जैसे आप जाते हैं, तो आप OTG पेन ड्राइव या OTG फाइल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो सिंपली यहाँ से OTG कनेक्शन ऑप्शन आ जाएगा, जिसको आप कुछ इस तरीके से ऑन कर सकते हो। जैसे कोई भी पेन ड्राइव OTG वायर अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, फ़ोन में लगाते हैं, तो आपका OTG ये कनेक्ट हो जाएगा कुछ सेकंड के अंदर, और कनेक्ट होते ही आप उसमें फाइल वगैरह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से OTG को ऑन करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है, तो आप यहाँ से सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। सिंपली आपको सर्च करना होगा OTG ऑप्शन, तो OTG कनेक्शन ऑप्शन आपके फ़ोन में आ जाएगा सर्चिंग सेटिंग्स में, जिसको आप इस पे क्लिक करके डायरेक्टली सेटिंग्स पे जा सकते हैं और यहाँ से इसको ऑन करके OTG को कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से भी OTG फायर को कनेक्ट कर सकते हैं फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।